guys, good morning. So हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं और निकल चुके हैं अपने सफर के लिए। और यहां से मेरे पेरेंट्स भी आ चुके हैं बस में, पापा ने रख दिया है सामान और हम सब साथ में बैठ के जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो आप लोग वीडियो कब आगे एंजॉय कीजिए। यहीं पे अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए और ये रहा हमारा बस, ये रही मामूनी और मम्मी बैठे हुए हैं। चलो चलते हैं। मिश्रिटा के मौजा पेचो तो तुम्हें आस्ते आस्ते आस्ते। हमारी बस वहाँ पे खड़ी है, वेट कर रही है और हम लोग आए हैं थोड़ा सा खाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह लगा ऑल दो खाया है बस के अंदर भी हम लोगों ने चूल्हा फिर फूड्स और बिस्किट सब कुछ। बट फिर सोचे यहाँ पे वो होता है ना स्ट्रीट साइड फूड, देखने से मन कर जाता है खाने के लिए, तो इसलिए आ गया है खाने के लिए। वेस्ट बंगाल में इस जगह का नाम है कृष्णनगर और इतनी सारे गाइस बसेस जो आपको दिख रही हैं, लोग भरे हुए हैं। ये सभी जो है मोदी जी के सपोर्टर हैं, क्योंकि इसी दिन दोपहर में मोदी जी आने वाले थे तो उसी के लिए इतनी भीड़ थी। और इसी दौरान हम लोग भी पहुंच चुके हैं गाइस अपने लोकेशन पे। कितना अच्छा लग रहा है ये आप देखो दूर से ही। सो हम लोग गाइस आ चुके हैं स्कॉन मायापुर में। ये हमारा जो फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर में, यहाँ पर पीने का पानी है, डस्टबिन है एंड ये रूम तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा रूम है। तो रूम बहुत क्लीन था, बेड भी दिया हुआ था, मेरे एक्सपेक्टेशन के बाहर था कि इन लोगों ने इतने रीजनेबल प्राइस में इतने अच्छे तरीके से मेंटेन रखा हुआ था यहाँ पे। और हम लोगों ने जल्दी से अपना सामान रखा और फ्रेश होकर निकल लिए थे ताकि मंदिर के चारों ओर का दर्शन सके हम। तो अभी गाइज हम लोग आए हैं यहाँ पे प्रसाद खाने के लिए, तो उसी के लिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन कर रखा है दोनों साइड में, आपको दिखाती हूँ। सो ये क्योंकि नरसिम्हा देव का अलग से सेक्शन न्यू ओपन हुआ है, तो उसी के लिए जो है यहाँ पे मेला वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। फ्री खाने का फैसिलिटी रखा हुआ है जो लोग पॉसिबल नहीं है जिनके लिए अपने से खाने का। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे खाने के लिए, खाने का कूपन देखिए। पहले के टाइम पे क्या होता था गाइस, बंगाल में घरों में कभी भी कोई भी फंक्शन हो तो ऐसे शाल के पत्ते ही लाए जाते थे, बट आजकल बंद हो गया। आजकल सब थर्माकोल प्लास्टिक पेपर्स के प्लेट आते हैं, बट इतने टाइम के बाद ये शाल के पत्ते में खा के मजा आ गया। और खाने में देखो गाइस क्या क्या था, बहुत ही एकदम सिंपल सादा खाना, गुड फॉर हेल्थ, हेल्दी खाना था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। चावल दाल और ये मिक्स वेज का एक सब्जी बंगाली स्टाइल का होता है, तो मज़ा आ गया खा के और पेट को भी मिल गई शांति। हम लोगों ने इनफैक्ट मतलब मांग के भी खाया, इतना अच्छा लग रहा था। और टमाटर की मस्त वाली चटनी थी और लास्ट में बंगाली है, मिठाई के बिना तो काम नहीं बनता, तो हमें लास्ट में मिठाई भी दी गई। जो है भगवान का भोग होता है तो अपने आप ही टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, खुद का खाना खा के पूरा जगह क्लीन करके उठा के फैसिलिटी किया, ये आप देख सकते हो। लंबा करके जो है पाइप टेम्प्रेरी बेसिस पे लगाया, बहुत बट बहुत ही अच्छे तरीके से, तो यहीं पे सब जो है हाथ वगैरह धो सकते हैं।
एंड यहीं पे टेंट बनाया हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया और सभी को जो है खाना वितरण किया जा रहा है। इतनी गर्मी थी कि मिनट मिनट में प्यास भी लग रही थी, तो इससे तो ये हमने लिया है एकदम फ्रेश फ्रेश वाटरमेलन जूस, काफी हेल्दी सा खाने के बाद खाने के लिए। जूस पी के आगे कलेजे को ठंडक और पहुंच गए हम स्टॉल्स में यहाँ पे शॉपिंग के लिए। जो गाइस मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था वीडियो के कि नरसिम्हा देव का जो न्यू टेम्पल ओपन हुआ है उसी के लिए ये मेला या फिर आप बोल सकते हो एग्जीबिशन टाइप से स्टॉल बैठा है उसी एरिया में। এটা কি সুন্দর কিউট লাগছে না মশারি ঠাকুরে। यहाँ पे ये इतने क्यूट क्यूट छोटे छोटे प्यारे प्यारे कान्हा जी के ड्रेसेस थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और कुछ कुछ स्टॉल में गाइस बहुत ही क्यूट क्यूट स्टफ्स रखे थे, जैसे कि ये आप देखो। না ফিট হচ্ছে কোথায়? कुछ नहीं खरीदेंगे, बस देख के आ जाएंगे। मुझे लगता है गाइज ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है, स्पेशली लड़कियों के साथ मैक्स टू मैक्स टाइम। वैसा ही कुछ हमारे साथ भी हो, हमने सोचा था कुछ नहीं खरीदना, बस देख के आना है, लेकिन अल्टीमेटली हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगी गई और हम लोगों ने उन चीज़ों को खरीद लिया। और गाइज आपने देखा हम सुबह के निकले हुए हैं, दोपहर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा था, तो हमने सोचा रूम पे चलते हैं रेस्ट करके फिर शाम को निकलेंगे। और क्या किया वो आप मेरे गाइज नेक्स्ट वीडियो में देखना।